ओक्लाहोमा अमेरिका में पहले के लिए निष्पादन के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करने के लिए। ओक्लाहोमा ने दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद 2015 के बाद एक निष्पादन नहीं किया है, जिसमें एक घातक इंजेक्शन भी शामिल है। ओक्लाहोमा के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि राज्य नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके फांसी को फिर से शुरू करेगी। यह एक ऐसा कदम है जिसे अमेरिका का पहला अमेरिकी राज्य मौत की सजा के लिए गैस का इस्तेमाल करेगा। ओक्लाहोमा के अटॉर्नी जनरल माइक हंटर ने एक बयान में कहा है कि राज्य अपने इस्तेमाल के लिए एक प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर अंतिम रूप में निष्पादन के प्राथमिक साधन के रूप में गैस का इस्तेमाल करेगा। हंटर के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि फांसी की सजा 3 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो सकती है। यह जल्द से जल्द वर्ष के अंत तक नहीं था, द ओक्लाहोमन अखबार ने बताया। ओक्लाहोमा ने दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद 2015 के बाद एक निष्पादन नहीं किया है, जिसमें एक घातक इंजेक्शन भी शामिल है, जहां एक कैदी मृत्यु दर चिम्बुर गुर्नी पर दर्द में गड़बड़ कर गवाहों द्वारा देखा गया था। ओक्लाहोमा इसके बाद नाइट्रोजन को बदल रहा है और अन्य राज्यों निर्माताओं से विरोध के कारण घातक इंजेक्शन के लिए आवश्यक दवाएं प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जो उनके उत्पादों को मौत की सजा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य कानून के अनुसार यदि घातक इंजेक्शन अनुपलब्ध है तो नाइट्रोजन गैस इनहेलेशन द्वारा फांसी की जानी चाहिए, हंटर ने बयान में कहा। नाइट्रोजन एक गंधहीन और बेस्वाद गैस है जो लगभग 78% हवा में हम सांस लेते हैं, लेकिन बिना किसी ऑक्सीजन के सांस लेते समय मौत होती है। ओक्लाहोमा 31 अमेरिकी राज्यों में से है जो मौत की दंड की अनुमति देता है, और मौत की सजा सूचना केंद्र एक गैर लाभ के अनुसार मौत की दंड की अनुमति देने के लिए 112 लोगों को मौत की सजा दी गई थी, जब अमेरिका के लिए तीसरे नंबर पर मौत की सजा मौनता। ओक्लाहोमा में मृत्यु दर पर 16 कैदियों हैं जिन्होंने सभी अपीलों को समाप्त कर दिया है, हंटर की प्रवक्ता ने कहा। मृत्युदंड की अनुमति देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका विकसित देशों में दुर्लभ है मौत पेनल्टी। इन्फॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक कुल मिलाकर यूएस की फांसी 2017 से 23 में थोड़ी कम हो गई, लेकिन दशकों में सबसे कम बनी रही। विश्व स्तर पर अमेरिका ने चीन, ईरान, सऊदी अरब, इराक, पाकिस्तान, मिस्र और संभवतया वियतनाम के पीछे 2016 में फांसी में 7वां या 8वें स्थान पर रही, जहां फैलता की कुल संख्या अस्पष्ट बनी हुई है, केंद्र ने कहा।